Yes पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है? सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो आज हम एक टॉपिक रिवाइज करने वाले जिसका नाम है सेट ऑप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसिस करके ठीक है तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेट ऑप और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑपले तो हम पढ़ते हैं सेट ऑप सेट ऑप क्या होता है तो देखिए सेट ऑफ लॉसेज मीन अगर मान लो कहीं पे एक जगह लॉस है और एक जगह अगर गेन है तो उसको वापस में सेट ऑफ कर लेते हैं आपस में उसको सेट ऑफ कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड आई कैन टेक मान लो अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड में मुझे कोई लॉस हो गया और अगर पीजीबीपी हेड में कोई गेन है उसको आपस में सेट ऑफ कर देते हैं दैट इज कॉल सेट ऑप्त तो सेट ऑप पढ़ने के लिए सबसे पहली सेक्शन होती है सेक्शन 70 और 70 बोलती है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब होता है एक ही हेड के अंदर अंदर एक होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट इंटर का मतलब होता है दूसरे हेड में इंटर जो वर्ड है ना उसको पढ़ने पे लगता अंदर -अंदर है बट होता बाहर बाहर है आप लोगों ने जीएसटी में उसको बोला जाता है स्टेट सेल तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हेड एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही के, अंदर -अंदर, के घर में अगर कोई तकलीफ है तो घर वाला मेंबर ही उसको हेल्प कर देगा Your intra head adjustment. एडजस्टमेंट head एडजस्टमेंट क्या होता है जब एक घर में तकलीफ है और दूसरे घर वाले उसकी हेल्प कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड हेड एडजस्टमेंट तो चलो अपन पड़ोसी से हेल्प बाद में मांगेंगे पहले अपने घर में ही हेल्प करा लेते हैं तो अपने घर में हेल्प कराते हैं है, है और दूसरे सोर्स का गेन जैसे आई कैन एग्जांपल मुंबई की हाउस प्रॉपर्टी का मेरा लॉस हो गया और अगर जयपुर की हाउस प्रॉपर्टी का मेरा गेन है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अंदर इसको सेट ऑफ कर देते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या फिर मान लो मेरा टेक्सटाइल बिजनेस का कोई लॉस हो गया और अगर मान लो कोचिंग क्लास बिजनेस का गेन है तो बिजनेस हेड के अंदर अंदर सेट ऑफ कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या फिर मुझे कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाता है दैट इज कॉल्ड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट तो एक बात बताऊं मैं आपको सेक्शन सेवेंटी आपको अलाउ करती है कि आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते हैं मीन एक ही हेड के अंदर अंदर एक सोर्स का लॉस है और दूसरे सोर्स का गेन है आप उसमें उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन इसके चार एक्सेप्शनल केसेस है और ये चार एक्सेप्शनल केसेस कौन से है सबसे पहला अगर आपका कोई स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस होता है तो वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा और किसी बिजनेस के गेन से सेट ऑफ नहीं होगा

हॉर्स रेसेस नहीं बोल रहा हूं रेस हॉर्सेस बोल रहा हूं इसका मतलब मैं घोड़ों की बात कर रहा हूं बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं घोड़ों को ओन करते हैं मेंटेन करते हैं ऐसी एक्टिविटी से अगर कोई लॉस हुआ तो वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला इंट्रा हेड एडजस्टमेंट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मीन जैसे फाइव हेड है अलग अलग हेड है ठीक है तो पांच ही घर है उस घर के अंदर अंदर मतलब किसी भी हेड के अंदर अंदर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं बट उसके चार एक्सेप्शनल केसेस पहला तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस हुआ तो वो सिर्फ बिजनेस के गेन से ही सेट होगा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉसेज है वो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से ही सेट ऑफ होगा अब एक बात बताओ अगर मैं कैपिटल गेन हेड की बात करूं तो कैपिटल गेन हेड में दो चीजें हो सकती है आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हेड को आप ऐसे याद रखेंगे ये एक अंबानी फैमिली है मुकेश अंबानी बड़ा भाई और अनिल अंबानी छोटा भाई मुकेश अंबानी बड़ा भाई उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे और अनिल अंबानी छोटा भाई उसको अपन शॉर्ट टर्म बोलेंगे अब एक बात बताओ मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही ऑफ हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गेन से से कैपिटल हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा इसका मतलब यह हुआ आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि कभी भी अंबानी फैमिली में बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प कर सकता है बट छोटा भाई बड़े भाई की हेल्प नहीं कर सकता आपको क्या लगता है आज अनिल अंबानी को अगर हेल्प चाहिए तो मुकेश अंबानी कर सकता है ऑब्वियसली कर सकता है बहुत पैसा है मुकेश अंबानी के पास बट अगर मान लो मुकेश अंबानी को हेल्प चाहिए तो क्या अनिल अंबानी कर सकता है आंसर इज नहीं कर सकता तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बात बताइए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है मीन अनिल अंबानी को हेल्प चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता है और बड़ा ही लॉजिकल है एक बात बताओ

से सेटअप नहीं हो सकता तो देखिए बड़ा सिंपल सा पॉइंट है सेक्शन सेवेंटी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट मीन एक ही हेड के अंदर अंदर अगर एक सोर्स का लॉस है दूसरे सोर्स का गेन है आप सेट ऑफ कर लो बट उसके चार एक्सेप्शन है एक तो बिजनेस का लॉस सिर्फ बिजनेस के गेन से सेट ऑफ होगा स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड बिजनेस बिजनेस का लॉस सिर्फ के गेन से सेट ऑफ होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज से सेट ऑफ होगा उसके बाद में जब आप अपने घर के अंदर एडजस्टमेंट कर लेते हैं और घर के अंदर अगर हेल्प करने वाला कोई नहीं है तो आप दूसरे घर पर जाते हैं जिसको बोला जाता है इंटर हेड just meant.

मैं आपको बताऊं यहां पे है। है। मैं दूसरे हेड से सकते जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ सैलरी गेन, साल्री के गेन से से कर सकते हुआ। या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है बट इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेज है चार एक्सेप्शनल केसेज वो के वो जो हमने इंटर हेड में पढ़े थे

देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा और किसी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता एंड लास्ट वाला एक बात बताओ बिजनेस के जो लॉसेस होते हैं ना वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं अदर देन सैलरी सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकते आपके बिजनेस के लॉसेज भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं बट सैलरी को छोड़ के सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकते सैलरी को छोड़ के किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते एक बात बताओ यहां पे मैं आपको क्या बोल रहा हूं देखो कैपिटल गेन हेड में दो चीजें हो सकती है और मैंने बोला अंबानी फैमिली आप ऐसे याद रखना कैपिटल गेन हेड इज अंबानी फैमिली बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प कर सकता है छोटा भाई बड़े भाई की हेल्प नहीं कर सकता एक और चीज समझना अगर मान लो यहाँ पे जो अंबानी फैमिली है ना वो कैपिटल गेन हेड है एक चीज ध्यान रखना ये लोग दुनिया की हेल्प कर सकते हैं बट दुनिया इनकी हेल्प नहीं कर सकती आप एक बात समझिए जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो हो सकता है, यस हो सकता है है यस बिजनेस का लॉस है कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है यस ये दूसरों की हेल्प कर सकते हैं लेकिन इनकी खुद की हेल्प करने वाला बाहर से नहीं आ सकता आप एक बात बताइए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा और किसी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा तो अंबानी फैमिली आप समझिए मुकेश अंबानी को कोई दिक्कत है तो कोई हेल्प नहीं कर सकता सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही कर सकता है अनिल अंबानी को हेल्प चाहिए तो मुकेश अंबानी कर सकता है बाकी कोई नहीं कर सकता करके ठीक है इसका मतलब यह हुआ एक अंबानी फैमिली है यह दुनिया की हेल्प कर सकते हैं ये दूसरों की हेल्प कर सकते हैं बट इसके हेड की हेल्प करने के लिए बाहर से कोई नहीं आ सकता है अब एक बात समझना जो मैंने आपको सिखाया उसकी एक मैंने समराइजर दे रखा है समरी दे रखा है जिसको आपको माइंड मैपिंग में दिमाग में डालना है जो मैंने आपको पढ़ाया अगर वो समझ में आया होगा तो ये आपको समझ में आएगा सबसे पहले सैलरी हेड में क्या लॉस हो सकता है हो ही नहीं सकता सैलरी में सैलरी नेल हो सकती है सैलरी नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हो सकता है आंसर इज यस अगर देखो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको लॉस दिख जाता है तो आप क्या करोगे पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे मींस हाउस प्रॉपर्टी हेड में और कोई गेन है तो उससे सेट ऑफ कर दो उसके बाद में आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे मींस हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किसी दूसरे हेड के गेन से सेट ऑफ होगा लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस होता है ना वो किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ हो सकता है बट मैक्सिमम टू लैख रुपीज तक मैक्सिमम टू लैख रुपीज तक सेट ऑफ हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता अगर उससे ज्यादा है तो बाकी वाला लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद में अगर इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर दिया इंटर हेड एडजस्टमेंट कर दिया उसके बाद भी हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस बचा तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे उसके बाद में पीजीपीपी हेड में लॉस हो सकता है आंसर इज यस आपको आपको एक सिंपल सी चीज देखो हेड में अगर बिजनेस का लॉस दिख जाता है

इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे दूसरे हेड में जाके और से, से, लेकिन इसमें एक रखना, से आप कैरी फॉरवर्ड करोगे यहां पर एक और चीज समझना मैं आपको क्या बोल रहा हूं स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस होता है तो वो स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के गेन से ही सेट ऑफ होगा नॉर्मल बिजनेस के गेन से नहीं होगा लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना अगर नॉर्मल बिजनेस का लॉस है और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का गेन है तो क्या नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के गेन से सेट ऑफ हो सकता है नहीं आंसर इज यस हो सकता है कोई दिक्कत नहीं बिकॉज रेस्ट्रिक्शन के गेन से सेट ऑफ होगा बट बिजनेस का अगर गेन होता है और नॉर्मल बिजनेस का लॉस होता है तो वो आपस में आप सेट ऑफ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब अग, अब अगर मैं कैपिटल गेन हेड की बात करूं तो कैपिटल गेन हेड में एक बात बताइए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल

मस्त सर एक बात बताओ जैसे फॉर एन एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूं एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करना जैसे करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है मेरा बिजनेस का गेन है करंट ईयर का ठीक है करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है बिजनेस का गेन है और पुराना भी बिजनेस का लॉस है तो मैं बिजनेस के गेन से पहले करंट ईयर का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करूं या फिर पुराना वाला बिजनेस लॉस पहले सेट ऑफ कर दू बिजनेस की इनकम से राइट आंसर इस पहले आपको करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करने हैं उसके बाद पुराने वाले फॉरवर्ड लॉसेस को आपको देखना है सो so मैं एक बात बताऊं पहले आपको करंट ईयर का हिसाब कंप्लीट करना पड़ेगा जो करंट ईयर है वो करंट ईयर का कैलकुलेशन आप पहले करोगे और उसके बाद कोई गेन बचता है तो उस गेन के सामने पुराने जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज को आप क्या करोगे यहां पर लेके आओगे और उसको सेट ऑफ करोगे अब एक और चीज समझना मैंने आपको अभी एक बताया थी एक चीज इंटर हेड एडजस्टमेंट मीनस आप दूसरे हेड में जा सकते हो लेकिन एक चीज समझना ये दूसरे हेड में आप तभी जा सकते हो जिस ईयर में वो लॉस होता है जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मेरी तरफ देखो मेरी तरफ देखो जैसे मान लो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है अभी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा मीन्स हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अंदर सेट ऑफ होगा उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेके आप दूसरे हेड में जाओगे और उसके बाद भी नहीं हुआ तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे अब एक बात समझना एक बार अगर कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर वो दूसरे हेड से सेट नहीं हो सकता फिर वो हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही सेट होगा और किसी हेड से सेट नहीं हो सकता यू गॉट माई पॉइंट और नॉट देखो आपके पास में अभी ऑप्शन है अगर जिस साल में लॉस होता है उस साल में आप पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करिए फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करिए और फिर उसके बाद में कैरी कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर 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 दीजिए बट जैसे ही कर दिया फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते फिर आपको भैया अपना इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही मिलेगा उसके बाद में नहीं मिलेगा तो एक बात समझो एक सिंपल सी चीज मैं बोलता हूं कि जैसे मान लो आपकी शादी की एज हो रही है तो जब एज हो रही है तब आपके पास ऑप्शन है कि अपनी कास्ट में कर लो करके ठीक है या फिर अगर दूसरी कास्ट में लव मैरिज होता है तो दूसरी कास्ट में कर लो और अगर मान लो आपकी एक एज ओवर एज हो जाती है आप अगर एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाते हो करके ठीक है तो तो फिर भैया अपनी कास्ट में ही करनी पड़ेगी प्यार का तो मौका मिलेगा नहीं दूसरी कास्ट में तो कर नहीं सकते आपका कोई भी प्यार का मौका नहीं मिलेगा इंटर कास्ट का जो है इंटर हेड का ऑप्शन आपके पास से चला जाएगा तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ देखो अगर लॉस इस ईयर में हुआ तो पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करो फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करो और फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो लेकिन एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया तो फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते किसी दूसरे हेड से सेट नहीं कर सकते फिर आपको उसी हेड से सेट करना पड़ेगा यू गॉट पॉइंट और नॉट यस अब अब एक बात समझना मैं अब आपको सिखाने वाला हूं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑप ऑफ तो पहले मैंने क्या सिखाया था पहले मैंने सिखाया था सेट ऑप कर दो और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड कर दो अब एक बात समझना जो कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस होता है उस लॉस को फिर आप कौन से हेड से सेट ऑप कर सकते हो कितने साल

जैसे मैं बताऊं आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है वो प्रीवियस ईयर मान लो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो 22 टू 23 का लॉस हुआ तो आप अगर प्रीवियस ईयर वाइज काउंट करोगे तो नेक्स्ट एट ईयर आप काउंट करिए तो इस ईयर का अगर कोई भी लॉस होता है तो आप उसको अगले कितने साल तक सेट ऑप एंड कैरी फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑप कर पाओगे तो प्रीवियस ईयर 23 24 से काउंट करेंगे तो 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 इसका मतलब प्रीवियस ईयर थर्टी थर्टी तक आप इसको सेट ऑप एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो एट ईयर अगर आप प्रीवियस वाइज देखोगे तो प्रीवियस इस साल का लॉस हुआ इस प्रीवियस ईयर तो फॉरवर्ड कर सकते हो उसके बाद में ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी आप असेसमेंट ईयर वाइज इसको काउंट करना है तो जैसे प्रीवियस टू ट्वेंटी थ्री का लॉस मैं ये बोल दू असेसमेंट ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का लॉस तो यहां पे अगर आप असेसमेंट ईयरवाइज लिखोगे तो असेसमेंट ईयर आपका ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव से लेके और असेसमेंट ईयर थर्टी वन थर्टी टू तक है आप इसको सेट ऑप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अब एक और चीज समझना क्या सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है

स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेटअप होता है और इसको अनलिमिटेड इयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो फ्यूचर में जाके आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं और एट ईयर तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो इन फ्यूचर में जाके आप इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और इसको भी आप एट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड बेटा ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस और का लॉस है वो फ्यूचर में जाके ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस से ही सेट ऑफ कर सकते हैं और इसको फोर ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और बेटा इन सबके केस में आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना जरूरी है अगर आपका जिस ईयर में लॉस होता है उस ईयर का रिटर्न आपको टाइम पे फाइल करना मैंडेटरी है जरूरी है 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 टाइम का मतलब होता है में जो रिटर्न फाइलिंग की होती है, जैसे जिन लोगों की ऑडिट वगैरह होती है उनके लिए थर्टी फर्स्ट जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर तो वहां तक आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा तभी आपके जो बिजनेस के लॉसेस है कैपिटल गेन हेड के लॉसेज है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के लॉसेज है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं अब एक आता है ये अनएब एप्रीशियशन ना बहुत ही प्यारी चीज है अनियन क्या होता है कि किसी किसी ईयर में आपकी जो है वो इनकम इतनी सफिशियंट नहीं है कि आपके डेप्रिशिएशन को भी कर पाए

चीज समझना यहां पे कुछ नोट्स दे रखे हैं सबसे पहला नोट तो ये कि अगर मान लो आपकी कोई इनकम एग्जम्प्ट होती है तो उसका लॉसेस क्या होगा जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है तो उसके लॉसेस का क्या होगा कुछ भी नहीं होगा लॉसेस Loss, है वो तेल लेने गए गोस टू बाय ऑयल उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है दूसरा एक और चीज समझना जो भी तुम्हारा लॉटरी है क्रॉसवर्ड है पजल से मींस कैजुअल इनकम इसके अगर कोई लॉसेस होते हैं ना वो लॉसेस ना तो सेट ऑफ होते हैं और ना कैरी फॉरवर्ड होते हैं इस इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने कहीं पे बैटिंग किया, किया गैम्बलिंग हो तो होगा कुछ नहीं होगा इट हैज टू बी इग्नोर इसको आपको इग्नोर करना इसके खर्चे भी अलाउ नहीं होते जैसे अदर सोर्सेज में हमने देखा था कि अगर आपकी लॉटरी टिकट खरीदा तो लॉटरी टिकट का खर्चा क्या विनिंग के सामने एडजस्ट होगा आंसर इज नो वो कुछ भी विनिंग के सामने एडजस्ट नहीं होगा तो अगर आपका कोई भी लॉटरी कार्ड गेम रेसेस का कोई भी लॉस है वो लॉसेज आपको

उसके बाद में आप करंट ईयर में दूसरे हेड के कोई लॉसेज है वो सेट ऑफ कर सकते हैं और उसके बाद में अगर पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है वो पहले लीजिए एज कम्पेयर टू अनएब्सॉर्ब एप्रिशिएटेड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है बट बिजनेस लॉसेज सिर्फ एट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो सेट ऑफ करने से पहले आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस है वो आप लीजिए करके ठीक है कर उसके बाद में ये वाला पॉइंट फाइव नंबर पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं उसके बाद पॉइंट नंबर सिक्स ये बोलता है कि ये जो इनकम होती है ना सिक्सटी एट सिक्सटीन सिक्स ए बी सी डी ये मैंने

हो जाएगी अब एक और चीज समझना अगर शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट का जो लॉसेस है वो लॉसेस क्या माना जाएगा तो देखो सबसे बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर मान लो आप शेयर्स की डिलीवरी डिलीवरी लेते हो का मतलब होता है जैसे आप शेयर खरीदते हो टी प्लस टू में दो दिन में आपके अकाउंट में वो शेयर आ जाता है दैट इज कॉल्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन अगर आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन है और अगर वो शेयर आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो तो उस केस में आपका जो भी लॉस होगा वो पीजीबीपी का लॉस आएगा लेकिन अगर मान लो वो शेयर है वो कैपिटल असेट है तो जो भी लॉस आएगा वो कैपिटल गेन हेड का लॉस होगा तो अगर मान लो आपके शेयर है वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी का लॉस अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल गेन हेड का लॉस हो जाएगा ट्रेडिंग पर्पज के लिए यूज करते हो तो पीजीबीपी का लॉस अदरवाइज आपके कैपिटल गेन हेड का लॉस लेकिन एक बात समझना अगर आप इंट्रा करते हो इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि अगर आपका डिलीवरी मिलता ही नहीं आप सुबह क्या करते हो कोई शेयर है वो बेच देते हो शाम तक आप उस सौदे को स्क्वायर ऑफ कर देते हो या फिर सुबह खरीदा शाम को बेच दिया दैट इज कॉल्ड इंट्रा अगर आप इंट्राडे करते हो ना तो उसका जो भी आपका लॉस या गेन होगा वो हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस गेन या लॉस माना जाएगा वो हमेशा आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम या लॉस है वो माना जाएगा एक और चीज समझना अगर आप एफ एंड करते हो एफ एंड का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है जिसको डेरिवेटिव्स बोला जाता है सीए फाइनल में आपको ये समझ में आएगा डेरिवेटिव्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं तो देखो अगर आप एफ एंड करते हो तो एफ एंड का जो भी लॉस या गेन होता है ना वो हमेशा आपका नॉर्मल बिजनेस लॉस या गेन माना जाता है ये

सो गाइज यही था इतना आज आपके लिए और मैंने आपको रिवाइज कराया सेट ऑप एंड कैरी फॉरवर्ड सबसे इजी टॉपिक है बट सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है ये टॉपिक जिसने प्रैक्टिस अभी कर लिया उसके लिए सबसे इजी है और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपके लिए ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है करके ठीक है बट मेरे को पता है ना यार आपने तो फटाफट रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन कर ही लिए होंगे या क्वेश्चन करने वाले होंगे और जब क्वेश्चन करने वाले हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ईजी है तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट डिविजन लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर